प्रधानमंत्री जी, आप एक बार नहीं 100 बार प्रधानमंत्री बने, हमें कोई फर्क नहीं। इसमें हमें कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना भारत की आम जनता के साथ। जब मणिपुर गए तो मणिपुर के दशा देखा हमने, और दशा देखने के बाद हमें जरूर यह महसूस हुई कि कम से कम देश की सबसे बड़ा मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री जी को एक बार मणिपुर के आम वासियों के लिए कुछ संदेश देना चाहिए थे। शांति की कोई पैगाम लेकर प्रधानमंत्री जी को खुद कोई कार्रवाई करना चाहिए थे। कम से कम आपकी तरफ से एक बार मणिपुर के लोगों को अपना मन की बात रखना चाहिए थे। हमें भी लगा कि मणिपुर के हालात ऐसा ही है, जहां लोगों की मन में कोई चैन शांति कुछ नहीं थी। सारे मणिपुर यही तो बात है, आप समझ नहीं सकते। अनारस के साथ बनारस की तुलना मत किया करो, चाना के साथ बेदना की तुलना मत किया करो, बुलक के साथ हिलक की तुलना मत किया करो। इसलिए नहीं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस दिन मणिपुर के मुद्दे पे बोलना चाहिए था, कहां से छत्तीसगढ़ लाए, कहां से राजस्थान लाए, कीजिए ना। लेकिन मणिपुर की दंगा ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मणिपुर की दंगा एक जाति दंगा के रूप में, एक सिविल वॉर की तरह सारे देश दुनिया में चर्चा के मुद्दे बन गए। सर, बात यह है कि मणिपुर में क्या देखा। मणिपुर में हमें देखा कि हमारे घर की मां बहन को वस्त्रहीन हालत में विवश करके उनके ऊपर हमला हो रहे हैं, बलात्कार की घटना घट रही है। तो मुझे एक बार ये बोलने का इच्छा हो रहे हैं कि जब राजा अंधार रहते हैं, धृतराष्ट्र जब अंधार रहते थे, उस समय द्रौपदी की वस्त्रहरण हुई थी। आज भी राजा अंधे बैठे हैं, इसलिए इसलिए जहां राजा अंधा बैठे रहते वहां द्रौपदी की वस्त्रहरण, चाहे वो हस्तिनापुर में हो, चाहे वो मणिपुर में हो, होते ही रहते। मणिपुर और हस्तिनापुर में कोई फर्क नहीं रहता। आपने एक अपील की थी कि आइदर और साइड से बहस को शांति से सुना जाए। हम बड़े धैर्यपूर्वक सुनते गए। उन्होंने कहा कि हमने ब्रिटिश की कार्यपद्धति हमारी संसद ने अडॉप्ट की है, पूरे देश का अपमान किया, हम चुपचाप बैठे रहे। हमारी संविधान सभा ने ये पूरी प्रक्रिया तय की है, स्वीकार करी है। आगे माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद भी अनर्गल बोलते रहे। अब मैं अभी ये जो प्रयास कर रहे हैं, उनकी पार्टी ने उनको समय नहीं दिया। मेरे बोलने के साथ बात किया जाएगा। आपने समय दिया, इसमें कुछ स्कोर करना चाहते हैं, कुछ मान्यता, मगर माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन की एक गरिमा है। देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस प्रकार का ये उल्लेख कर रहे हैं, मुझे लगता है ये विपक्ष के नेता के लिए शोभा नहीं देता। आपने उनको या तो कंट्रोल करना चाहिए, या तो ट्रेजरी बैंक के एमपी भी ये नहीं सुन पाए। अमित शाह जी, आप थोड़ा बैठे, प्रधानमंत्री जी के गुस्से नहीं आते, आपको क्यों आते हैं इतना? किसी को गुस्सा नहीं आते, तो चर्चा की मुद्दा है। आप मुद्दा पे बोलिए। सर, मुद्दा पे तो बोलते हैं सर। हाँ। बहुत दिन पहले सुना इस देश से हजारों करोड़ रुपया लूटकर नीरव मोदी भागे थे, किसी ने उनको पकड़ नहीं सके। हमारे एनडीए सरकार की इतना ताकत उन्हें छू नहीं सके। वो तो कैरिबियन समुद्र के बीच में मस्ती करते देखा जाते हैं, जो मर्जी वो कहते रहते। तो मैंने सोचा कि नीरव मोदी सारे जिंदगी के लिए हमारे से दूर चले गए, लेकिन अब पता चला नीरव मोदी दूर नहीं गए। मणिपुर की घटना देखने के बाद मुझे यह पता चला
नीरव मोदी यहाँ हिंदुस्तान में जिंदा है और नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बनके अभी भी चुपचाप अपने चुप्पी साधे होकर बैठे हैं। माफी मांगना चाहिए, इनका पार्टी इनको समय नहीं दिया, जैसे गृह मंत्री ने बताया समय हमारे पार्टी से लिया है और अभी इनका अभी लेकर क्या क्या बात कर रहे हैं सर, चुनाव से लेकर सर ये अनाप शनाप बात नहीं चलेगा सर, चीता तक ये नीरव मोदी को फोन फोन तो इन लोगों ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है। सदन है, आप मुद्दों पे बोलिए। मैं तो ये मेटाफोरिकली बोला, अभी सदन के अंदर लोन कौन दिया, लोन कौन दिया बोलिए, कोई गलत। अरे अधीर बाबू लोन कौन दिया बताइए, आपके एसीसी फोन करके लोन दिलवाया नीरव मोदी को, क्या बात कर रहे हैं? अगर आप सत्ता में रहते तो नीरव मोदी इधर ही रहता था, उनको लोन वसूली करने के लिए हमने कोशिश की, हमारे सरकार इसीलिए भाग गए हैं। उदाहरण की तरह बोले सर, बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री चाहे चांद हो और चाहे कूनो फोर्स की चीता हो, चांद हो ये कूनो फोर्स की चीता हो, हर चीज में प्लीज 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 जाइए, प्लीज जाइए अपने अपनी सीट पे। प्लीज सर, आप बड़े पे बोलिए, बड़े दावे की जात कह सकता हूँ सर, आप मैं किसी को आहत करने के लिए, आप मुद्दे पे बोलिए ना, चोट पहुंचाने के लिए मैं एक शब्द नहीं कहते। अच्छा, आप लोग गलतफहमी हो रहे हैं, ये हम ये कहना चाहते हैं कि चांद से लेकर पूनो फॉरेस्ट की चीता तक हर चीज में हमारे प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ बोलते, संयम रखिए आप। मणिपुर के बारे में उन्हें चुप्पी साधी रहे, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं हुई है, यही मैं जाहिर करना चाहते हैं। संयम पे बोले आप। सर अभी तक देखिए ना, मणिपुर की जो दो एमपी है, मणिपुर के दो एमपी डॉक्टर रंजन सिंह राजकुमार, मणिपुर का और एक एमपी डॉक्टर लोरो फुजो, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता कि हमें सदन के अंदर कुछ सुने उनसे, वो भी नहीं मौका मिलती। लोग हम अमित शाह जी को पूछना चाहते हैं, अमित शाह जी कल जी आपने बयान दिया ना, ये बड़ा घातक बयान दिया आपने, आपने कहा था कल, याद कीजिए, कि हम बफर जोन में सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया है, याद कीजिए, आपने खुद स्वीकार करते हैं कि बफर जोन बन गए हैं। बफर जोन कहाँ बनते, लाइन ऑफ कंट्रोल में बफर जोन बनते, इसका मतलब आप क्या स्वीकार करते हैं कि कंट्रोल और अलग हो गए? प्लीज कंक्लूड। नहीं सर, प्लीज कंक्लूड सर, कैसे ओके सर, इसीलिए ये बफर जोन की बात कभी आपको नहीं करना चाहिए था, मतलब आज जो सेंस ऑफ डिलिनेशन इट इज गोइंग टू बी टेस्टेड इनटू ए जियोग्राफिकल डिलिनेशन ऑफ द टू वॉरिंग फैक्शन, इसलिए मैं आपको सतर्क करना चाहते, कल आपने बड़ा गलत बयान पेश किए हैं, ये बफर जोन की मुद्दा उठाकर आपने खुद स्वीकार किया कि बफर जोन अभी है, आपने कांग्रेस पे आरोप लगाने का कोशिश किया, लेकिन देखिए आपने खुद राज्यसभा में ये बताया कि 1528 फेक काउंटर हमारे जमाने में हुई थी, ये आपने यही नहीं बताया कि कितने साल तक वो हुई थी, 33 साल में हुई थी। सर रूल 352(5) सर रूल 252(5) सर, कांग्रेस की जमाने में कांग्रेस की जमान इन हाई अथॉरिटी अनलेस द डिस्कशन इज बेस्ड ऑन द सब्सटेंशियल मोशन ड्रॉन इन प्रॉपर टर्म सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, इसको एक्सपेंड करना, प्राइम मिनिस्टर इज द हाई अथॉरिटी, इसको एक्सपेंड करना चाहिए और माफी मांगना चाहिए सर, ऐसा नहीं चलता है सर।
सर सर हमारे गीता में एक बात कहे जाते, गीता में अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम। इनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर है पंडित देव जी, बोलिए ना। बता ना सर, सर 352 अहंकारम 352.5 सर बलम दर्पम टू द फैक्ट मैटर ऑफ व्हिच द जुडिशियल डिसीजन इज पेंडिंग। सेकंड सर मैं ये सब रेफर नहीं करता हूँ। पांचवा नंबर पर यह है रिफ्लेक्ट अपॉन द कंडक्ट ऑफ द पर्सन इशू हाई अथॉरिटी अनलेस द डिस्कशन इज बेस्ड ऑन द सब्सटेंशियल मोशन ड्रॉन इन प्रॉपर टर्म। कोई मोशन मूव नहीं किया है प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, ऐसे आरोप लगाना अनाप शनाप बेसलेस एलिगेशन, डूइंग द बेसलेस एलिगेशन कैनॉट बी एक्सेप्टेड सर, इट कैनॉट बी टॉलरेटेड। ही शुड आप रूलिंग देना चाहिए, हमारा निवेदन है और उनको माफी मांगना चाहिए और जो कुछ भी बोला है वो एक बंद करना चाहिए सर। कोर्ट से निकाल दिया, प्लीज कोर्ट से निकाल दिया प्लीज। सर बोले, सर बोले, नो नो सर आप ऋतुराज सिंधिया जी।